हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो ड्राइंग करने वाले हैं या ड्राइंग शुरू करने वाले हैं या ड्राइंग कर रहे हैं। ये ऑफिशियली बिगिनर के लिए है, ठीक है, कि वो कौन कौन से ड्राइंग टूल होने चाहिए, एक जेन्युइन चीप क्वालिटी के या कोई भी ड्राइंग टूल्स जो एक बिगिनर एक स्केच बना सके, एक प्रॉपरली एक जो स्केच होता है वो बना सके, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये है कुछ बिगिनर्स के ड्राइंग टूल्स, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कौन कौन से टूल्स क्या हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग करने वाले हैं या ड्राइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उनके पास बस जेन्युइन कौन से टूल्स हों जिससे वो एक प्रॉपरली स्केच बना सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है डॉम्स, ठीक है। यहाँ पे डॉम्स का ये स्केच पेंसिल है, ठीक है, जो मार्केट में आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप इसका भी यूज़ करके स्केच बना सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा है ये भी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है आर्ट लाइन का, ठीक है। आर्ट लाइन का स्केच पेंसिल ये आपको मार्केट में 70 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। 70 रुपीज़ में मैंने लिया। तो बिगिनर्स के पास इन दोनों में एक ड्राइंग स्केच पेंसिल होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ज़्यादा चीप क्वालिटी का लेना चाहते हैं, आपके पास वैसे नहीं, आप अगर एक बिगिनर्स हैं तो आप डॉम्स का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉम्स से भी आप अच्छा स्केच बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी अभी इन दोनों का ही यूज कर रहा हूँ प्रॉपरली। मैं भी कोई हाई क्वालिटी का ड्राइंग स्केच पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों में से एक पेंसिल होना ही चाहिए, ठीक है। हमारा सेकेंड नंबर पर आता है ये ब्लैंडिंग स्टम्प, ठीक है, जिससे हम ब्लैंड करते हैं, ठीक है। आप जितना भी आपको ब्लेंडिंग करना हो स्केच में, आप इससे ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक ये है, ठीक है, और एक ये है एयर बॉक्स, इससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये महंगा क्वालिटी का ये जो भी है ये अगर नहीं है तो आप इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं जब स्टार्टअप किया था तो मैं गाइज इसी से ब्लेंड करता था, ठीक है। मैं ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा यही है, ठीक है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, एक बिगिनर इसका भी उपयोग कर सकता है, ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं सैंड पेपर की बात करूं तो ये सैंड पेपर है, ये तो 100 रुपीज़ में मिलता है ये। लेकिन अगर एक बिगिनर से तो आप सैंड पेपर भी ले सकते हैं, बड़ा वाला एक आपको मिल जाएगा 10 से 20 रुपये में। आप उसका भी यूज़ करके इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ड्राइंग टूल्स, मैं आपको इधर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एक है 0.5 mm का और एक है 0.7 mm का, ठीक है। ये मार्केट में आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाएगा। मैंने इसे 10 से 15 रुपये में लिए, ठीक है। तो आपको 10 से 15 रुपये में ये मिल जाएंगे। तो हमारे पास इरेजर, ठीक है, ये डॉम्स का इरेजर है गाइस, ठीक है। आपको अगर स्ट्रोक्स लगाने, कहीं वाइट, अगर कहीं पे वाइट जगह है उसे स्ट्रोक्स करना है या हेयर में कहीं भी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चीप क्वालिटी, महंगे तो बहुत से हैं लेकिन ये चीप क्वालिटी का है, 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इरेजर पेंसिल है मेरे पास, देखिए गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्केच इरेजर पेंसिल, ये भी है। आप इससे भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं हेयर में या आइज़ में या कुछ में भी, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में चीप क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पेंसिल एक्सटेंडर, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, मैं इसका उपयोग बता देता हूँ। तो ये पेंसिल एक्सटेंडर इसलिए कि अगर हमारा पेंसिल छोटा हो जाता है तो ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए पेंसिल एक्सटेंडर को हम रखते हैं, क्योंकि इसमें इसे लगा के और हम ड्रॉइंग कर सकते हैं आसानी, ईजिली तरीके से। तो इसका उपयोग यही है, ठीक है। फिर आता है गाइस हमारे पास चारकोल पेंसिल, ठीक है। तो यूजुअली अगर एक बिगनर्स हैं, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्ट लाइन या डॉम्स में आपको 10B पेंसिल दिया जाता है, ठीक है। सेट्स के 6 पेंसिल रहते हैं, ठीक है, तो आप 10B से डार्क कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर्स हैं, अगर आपके पास नहीं है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके जब आप ग्रो करेंगे तो आप ये सब ले सकते हैं, ठीक है। फिर गाइस हमारे पास आता है इरेजर। तो देखिए गाइस मेरे पास इरेजर 3 प्रकार के, ठीक है। ये डॉम्स का ही इरेजर है, जो मार्केट में आप वेरी चीप 5 रुपये में मिल जाएगा, और ये भी डॉम्स का ये 2 से 3 रुपये में मिल जाएगा। फिर ये हमारे पास कनेक्टेबल इरेजर है, जिससे आप स्ट्रोक्स कहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ उज्जवली, देखिए इसे आप कहीं भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो ये कनेक्टेबल इरेजर, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है कनेक्टेबल इरेजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डॉम्स का या ये और कोई भी जेन्युइन एक जो इरेजर होता है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर शॉपनर की बात करें तो शॉपनर भी कोई हाई फाई रेट का नहीं है, चीप क्वालिटी का ही शॉपनर्स है। आपको दिख रहा होगा मार्केट में आपको 2 से 3 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं।
उसके बाद गाइज मेरे पास एक इंच है, ठीक है, नटराज का आपको दिख रहा होगा यहाँ, नटराज का 30 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं ग्रिड मेथड के लिए, लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइज हमारे पास यहाँ पे टेप, ठीक है, ये टेप आपको जेन्युइन मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं कब से इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइज़ यही थे बिगिनर्स के कुछ ड्राइंग टूल्स जो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होने चाहिए कौन नहीं होने चाहिए। तो सिंपल तरीके से आप अगर ये सब आपके पास ये सब टूल्स हैं तो आप एक जेन्युइन जो स्केच होता है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज़ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।